गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. अभी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि सपोज न्यूमरेटर ए दिया है, डिनोमिनेटर हमें दिया है बी, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना है. तो जो भी न्यूमरेटर में दिया है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो भी डिनोमिनेटर में दिया है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल इज बी बाई ए. जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में जाने देना, डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में जाने देना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. अभी सपोज 2/5 है, तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल इज इसको उल्टा कर देना है, 5/2. अंडरस्टूड? 5/11 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इलेवन न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. अभी हमने रेसिप्रोकल क्यों पढ़ा? क्योंकि डिवीज़न में हम डायरेक्ट फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. 3 डिवाइड बाय 4/17. अभी हम डायरेक्ट डिवाइड इसको नहीं कर सकते. पहले तो मैं लिखता हूँ 3, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1, राइट, डिवाइड बाय 4/17, ये हो गया. अभी डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये पीछे का जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हमें करना है. इट मीन्स ये नंबर सेम टू सेम रहेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना. यहाँ पे डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो नंबर है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 17/4. अभी हमें मल्टीप्लिकेशन तो पता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट? सो 17 3 51 और 4 1 4. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन करना है. 4 1 4, यहाँ पे 1 बचा, 11 बचा. सो 11 तो आता नहीं है, 4 3 12 वो भी बड़ा हो गया. सो 4 2 8, 9 10 11 and 12, 11 ही करने, 9 10 11, सो 3. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/7/3. अभी पहले तो इसको मैं लिखूं 4/7/3/1. अभी डिवाइड का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूं? 4/7 × ये पीछे का जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल, 1/3. सो 4 1 4 और 7 3 21. अंडरस्टूड? So this is how we can do division of any fraction. Let us solve few more examples to clear idea aa jaye. Three by seven divide by 2/3. ऐसे भी लिखा होगा 3/7/2/3. बाई यहाँ पे आए तो बाई की जगह पे हमें डिवाइड करना है, राइट? तो इसमें कुछ भी रखना नहीं है, तो 3/7 डिवाइड का मैं क्या कर दूँ? डायरेक्ट मल्टीप्लाई. तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. 2/3 है तो 3/2. अभी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 7 2 14,
डन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना। वी वॉट इफ मिक्स फ्रैक्शन ना आए तो? ऐसे हो तो क्या करेंगे? पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। 9 1 9, 9 प्लस 2 11, 11/9 डिवाइड बाई 2/3। अभी 11/9 एज इट इज, डिवाइड का मैं क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2। सो 11 3 जा 33, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 तो बड़ा हो गया। सो 18 1 जा 18, 19 20 21 22 23। अंडरस्टूड? थैंक यू।